फिरात, सारी रात कहाँ थे फिरात? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। दादी जान ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? आज की बात मैं नहीं, अजीज असलाम भी मुझसे डरा करेंगी। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? उन्होंने तुमसे कोई नया झूठ तो नहीं बोला? क्योंकि उनकी तो आदत हो चुकी है ना, एक झूठ छुपाने के लिए नया बॉम्ब मार देती हैं। बॉम्ब तो मारा ही है उन्होंने, लेकिन किसी और जगह। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो फिरात? मेरी तरफ देख के बात करो। मैं तुमसे कह रही हूं, हमारे दरमियान कोई भी राज मत रखो प्लीज। क्या छुपा रहे हो, सच सच बता दो। रियान। क्या हुआ रियान को? सबको पता चल गया है कि रियान खिजर शादुल की बेटी नहीं है। क्या? हटो, पीछे पीछे हटो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कह रहे हो तुम? जरा दोबारा कहना फिरात। मैं कह चुका हूं और आप सुन चुकी हैं, और इसमें कोई शक नहीं, रियान खिजर शादोले की बेटी नहीं है। वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन उसका असल बाप कौन है ये जानना है। मुझे नहीं पता। ये तुम कैसी गीबत कर रहे हो? जो असल बात है वो तो तुम्हें मालूम ही नहीं। तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी फिरात। सुल्ताना खानम, मैं गीबत नहीं कर रहा, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है। अब आगे क्या होगा? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, अब तो वो एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता अम्मी। जो कुछ भी हुआ मीरान खुद को जिम्मेदार ठहराएगा, और हो सकता है वो दोनों अलग हो जाएं। अगर दादी जान रियान की जगह मीरान की शादी यारीन से करवा देती तो ये फालतू का इंतकाम कब का खत्म हो चुका होता, और हम सुकून से जीते। फिलहाल इंतजार ही कर सकते हैं। रियान को बहू इसलिए बनाया ताकि खिजर को तकलीफ हो, लेकिन वो सुतेली है। यकीनन अजीजा को भी इन तमाम बातों का इल्म नहीं था, वरना वो ये कदम क्यों उठाती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अजीजा को तो मालूम होगा ही। अगर शादोलो को इस बात का इल्म हो गया तो रियान और मीरान एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।